अब हम लोग लस स्टेशन नंबर 4 में आ जाते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए लस स्टेशन नंबर 4 में। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक IDB इशू 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख ईच एट ₹2500। तो यहाँ पे 2500 में 2500 में यहाँ पे इशू किया जा रहा है, जिसका फेस वैल्यू कितना है बॉन्ड का, तो यहाँ पे बॉन्ड का फेस वैल्यू हम लोग को दे रखा हुआ है 1 लाख एंड रिपेबल आफ्टर 25 ईयर। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स अगर नहीं होता है उस टाइम में कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो आ जाइए कॉपी में, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ क्या दे रखा हुआ है, फेस वैल्यू दे रखा हुआ है 1 लाख का, बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 1 लाख का दे रखा हुआ है, और जिसका इशू प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इशू प्राइस दे रखा हुआ है 2500। तो यहाँ पे 2500 एंड ये कितने साल बाद रिपेमेंट होगा बॉन्ड, तो यहाँ पे ईयर कितना दे रखा हुआ है, ईयर हम लोग को दे रखा हुआ है 25 ईयर। एंड उसके बाद क्या बोला कि यहाँ पे टैक्स का रेट भी हम लोग को कुछ नहीं दे रखा हुआ है सम्स में, टैक्स भी क्या बोला कि टैक्स यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो यहाँ पे डेब्ट, तो ये हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो किसका, बॉन्ड का, तो बॉन्ड का कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वो हम लोग को सम्स में निकालना है। तो इससे हम लोग नॉर्मली निकालेंगे, जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है उससे निकालेंगे। तो आ जाइए देखिए, पहले इससे पहले समझ लेते हैं इसमें बॉन्ड में क्या होता है। तो इस तरह का अगर बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड इशू प्राइस जो रहता है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसके बदले क्या मिलता है, बाद में फेस वैल्यू का ही जो अमाउंट होता है। देखिए बॉन्ड इशू किया जाता है बहुत ही कम प्राइस में, जैसे इस केस में कितना में किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ 2500 में यहाँ पे इशू किया गया है, बट 25 ईयर के बाद रिपेमेंट कितने में होगा, तो रिपेमेंट यहाँ पे होगा 1 लाख में रिपेमेंट होने वाला है। तो ध्यान दीजिए इस केस में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिला, बट जब रिपेमेंट हो रहा है उस टाइम में एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है इस केस में। तो हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू को यूज करके इसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने वाले हैं। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फिर 1 प्लस रेट इन टू पावर क्या हो गया, एन हो गया, टू दी पावर यहाँ पे एन हो गया। ये हम लोग का नॉर्मली जो हम लोग पढ़ के आए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का बोलो या नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, जो भी बोलो, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फेस वैल्यू हम लोग को 1 लाख दे रखा हुआ है, इशू प्राइस दे रखा हुआ 2500, फेस वैल्यू 1 लाख कब मिलेगा, तो 25 ईयर के बाद मिलेगा, और कुछ भी सम्स में नहीं दे रखा हुआ था। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया, बाद में सम्स में बॉन्ड बॉन्ड के बदले कितना पैसा मिलने वाला है, तो बाद में मिलने वाला है यहाँ पे 1 लाख मिलने वाला है। इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना दे रखा हुआ, आज के दिन कितना, तो यहाँ पे आज के दिन 2500 में इशू हो रहा है, फिर 1 प्लस रेट तो मालूम नहीं, इंटरेस्ट का रेट हम लोग को नहीं मालूम, ये जो निकालना है हम लोग को, और टू दी पावर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि ये 25 के बाद ही जाकर क्या होगा इसका रिपेमेंट होने वाला है 25 ईयर के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 25। अब ध्यान दीजिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू दी पावर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 25000 कितना आता है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2500, तो ये आ गया हम लोग का 40। तो 40 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू दी पावर 25। अब जब और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या जाएगा, ये आ गया 25 रूट 40 इज इक्वल टू 1 प्लस आर आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग को। अब इसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना 40 टू दी पावर 1/25, ये लिखने में तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 40 टू दी पावर 1/25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आर। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ये तो आप लोग लिख सकते हो ना। अब ध्यान दीजिए ये 40 टू दी पावर 1/25 अब हम लोग को कैसे निकालना है, ये कैलकुलेटर में निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए लॉग टेबल का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, लॉग टेबल का यूज किया जाता है। जब भी इस तरह का पावर में, जब भी रहेगा इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का जब भी पावर में रहने वाला है, तो वो हम लोग को क्या करना होता है, तो हम लोग को लॉग टेबल यूज करना होता है। अब ध्यान दीजिए जब भी फ्रैक्शन में हम लोग को दे रखा होगा पावर, तो हम लोग को इस तरह से यूज करना है। सबसे पहले हम लोग को स्टेप क्या हो गया, स्टेप 1, ये स्टेप आप लोग बुक में लिख लीजिए। स्टेप 1 में आप लोग क्या करोगे, 12 टाइम स्क्वायर रूट होना चाहिए, कितना टाइम, तो 12 टाइम आप लोग स्क्वायर रूट प्रेस करोगे, जो भी दे रखा होगा। इस केस में 40 दे रखा हुआ है, तो 40 का 40 में रूट करेंगे हम लोग, कितना टाइम्स करेंगे, तो ये करने वाले हैं 12
टाइम्स, ये हम लोग का हो गया स्क्वायर रूट। आप लोग को कितना बार प्रेस करना होगा, 12 टाइम्स। तो चलिए प्रेस करते हैं 40 में, तो 40 स्क्वायर रूट 12 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हम लोग को आ गया 1.00090। इस तरह से आप लोग को आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप में आप लोग को स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। फिर स्टेप नंबर टू में क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस करना होगा 1, आप लोग को माइनस 1 करना होगा। तो माइनस 1 कीजिए तो आ गया 0.0009, ऐसे करके कुछ आ गया होगा। फिर स्टेप नंबर थ्री, इसमें क्या करना होगा, आप लोग को डिवाइड करना होगा। कितने से डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करना होगा एन से, और इस केस में आप लोग डिवाइड करोगे 25 से, क्योंकि पावर में कितना दे रखा होता, 25 दे रखा होता ना। अब ध्यान दीजिए, अगर इन केस यहाँ पे पावर रहता 42 दी पावर यहाँ रहता 2/25, तो उस टाइम में क्या करते, तो उस टाइम में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते और 25 से डिवाइड करते। जहाँ डिवाइड बाय एन कर रहे हैं ना, तो उस टाइम में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते और एन से डिवाइड करते, मतलब जो भी 25 दे रखा होता वो से हम लोग करते। तो बट वो तो हो गया अलग केस, बट इस केस में क्या करना है, तो इस केस में सबसे पहला हम लोग स्टेप क्या किए थे, तो 12 टाइम स्क्वायर रूट हम लोग प्रेस किए थे, एंड सेकेंड टाइम में हम लोग माइनस किए थे 1 किए थे, उसके बाद डिवाइड बाय हम लोग क्या क्या करना है, तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करना है। स्टेप फोर में हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा 1, हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड 1 करना होगा। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग 1 ऐड करना होगा। उससे पहले मैं लाइट ठीक कर लूँ। इसमें से आप लोग क्या करोगे, डिवाइड बाय 25 और प्लस कितना करना है, तो 1 करना। एंड उसके बाद स्टेप नंबर 5 में आप लोग को करना है, इनटू इक्वल टू, ये कितना बार करना है, तो ये करना है आप लोग को 12 टाइम्स। तो आप लोग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 42 to the power 1/25 का आंसर। तो ये आ गया हम लोग का 1.1590, आप लोग लिखिए 1590, ये आ गया था 71। इस तरह से हम लोग आ गया था, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 plus r। यहाँ इस केस में r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस इसमें से होगा, तो 1.1590 माइनस 1, तो ये आ गया 0.1590। इसे अगर हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 15.90%। ये समझ में आ गया आप लोग को क्या किस तरह से किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बार हम लोग सम्स को रिवाइज कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये जो फॉर्मूला दे रखा था, जो जिस टाइम में फ्रैक्शन में अगर पावर रहेगा तो हम लोग किस तरह से निकालना है, वो भी हम लोग को रिवाइज करना है। तो देखिए, आ जाइए बुक से ही करते हैं। तो देखिए, सम्स में सबसे पहले क्या दे रखा है, रिडीमेबल वैल्यू दे रखा हुआ है 1 लाख का, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फेस वैल्यू बोलेंगे 1 लाख। तो 1 लाख बाद में जाकर के 25 साल के बाद ये जाकर के 1 लाख का फेस वैल्यू मिलेगा। उसके बाद अभी नेट प्रोसीड कितना मिल रहा है कंपनी को, तो यहाँ पे 2500 मिल रहा है। तो अभी इशू प्राइस कितना था, 2500, इंटरेस्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, और लाइफ दे रखा था बॉन्ड का कितना, 25 बोल रहा दे रखा हुआ था। इसे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से बनाया गया, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू फिर इंटू 1 plus r to the power n होता था। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना, फ्यूचर वैल्यू कितना आ गया 1 लाख आ गया, फिर प्रेजेंट वैल्यू 2500, फिर 1 plus r to the power 25। उसके बाद यहाँ के बाद हम लोग क्या किए थे, लॉग टेबल का यूज़ किए थे। लॉग टेबल कैसे किए थे, उसमें हम लोग का स्टेप नंबर 1 में करना होता था स्क्वायर रूट कितना टाइम, तो ये हम लोग को करना होता था 12 टाइम्स। आप लोग इस तरह से बुक में लिख लीजिए, क्योंकि कॉपी में आप लोग ढूंढते रहोगे बट बुक में लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का था 12 टाइम स्क्वायर रूट देना था, किस में देना था, तो हम लोग को देना था 40 में। इस केस में कितना में देना था, तो 40 में 12 टाइम्स स्क्वायर रूट। उसके बाद हम लोग का आ गया था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग का था, इसमें से माइनस करना होता था 1, फिर स्टेप नंबर 3 में डिवाइड करना होता था एन से, डिवाइड किससे, एन से करना होता है, मतलब इस केस में 25 से करना होगा। फिर स्टेप नंबर 4 में ऐड करना होता था हम लोग को 1, और स्टेप नंबर 5 में हम लोग को क्या करना होता था, स्टेप नंबर 5 में इनटू एंड इक्वल टू हम लोग को करना होता था 12 टाइम्स। और इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते थे, यहाँ पे जो भी इस तरह से फ्रैक्शन में पावर दे रखा होगा वो हम लोग निकाल सकेंगे। देखिए, इस केस में अगर देखा जाए इसे, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 40 टू दी पावर 1/25 इज इक्वल टू
वन प्लस आर, इस तरह से हम लोग निकाल लिए थे। उसके बाद हम लोग का आर का आ गया था आंसर। बट इस केस में क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे जो सम्स इस बुक में बनाया गया है आईसीआई स्टडी मटेरियल में, उसमें बनाया गया है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो इस ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ पे आर इज इक्वल टू एज्यूम कर लिया 15%, एक ही बार में एज्यूम कर लिया 15%, और जिसका वैल्यू कितना आ गया 32.919, मतलब 40% 40 के करीब में यहाँ पे आ गया आंसर। उसके बाद एक बार आर इज इक्वल टू कितना एज्यूम कर लिया 16%, जिसके टाइम में कितना आ गया इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 40.875, मतलब एक बार 40 से ज़्यादा एक बार 40 से कम, एक ही बार में आ गया। बट हम लोग को तो एक बार में आ नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ पे 10% भी एज्यूम कर सकते हैं, फिर 20% भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग को हमेशा जब भी इस तरह का केस अगर आएगा, आप लोग पहले एक बार ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ के बाद से। चलिए एक बार दिखाते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिए नहीं तो। और ये कम से कम ये जो दे रखा हुआ है फॉर्मूला हम लोग को, ये जो स्क्वायर वो जो फ्रैक्शन में हम लोग को पावर निकालने का था, वो आप लोग को लिखना ही लिखना है और समझ भी लेना है। प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप लोग फिर से करके देख लीजिएगा। इसमें कैसे किए थे हम लोग, फर्स्ट स्टेप पे कि 40 को स्क्वायर रूट किए थे 12 टाइम्स, उसमें से फिर -1 किए थे, फिर डिवाइड बाय किए थे 25, एंड उसके बाद +1 किए थे, एंड उसके बाद इनटू इक्वल टू हम लोग 12 टाइम्स किए थे, तो हम लोग का आ गया था 1.15 समथिंग ऐसे करके आ गया था। तो इस तरह से हम लोग निकाल चुके थे। ओके अब इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब यहाँ के बाद से देखिए, यहाँ 40 इज इक्वल टू कितना आ गया था बुक के हिसाब से, 40 इज इक्वल टू 1 + r^25 आ गया था। अब हम लोग जहाँ तक किए थे, जो कॉपी में किए थे, उतना तक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना तक हमें आंसर आ जाता है। बट बुक में जो दे रखा हुआ है उस तरह से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए 40 इज इक्वल टू 1 + r^25 है, तो यहाँ पे ट्रायल वन में एज्यूम कितना कर लिया, आर इज इक्वल टू 15%। तो इस तरह से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, 15% एज्यूम करें, 10% एज्यूम करें, 12% एज्यूम करें। तो हम लोग को एज्यूम करना है जिसमें जिसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, तो जिसमें 1 + r^25 मतलब 1 + 15% 2^25 ये आ जाना चाहिए, 40 के करीब में आ जाना चाहिए, एक बार 40 के करीब में आ जाना चाहिए। फिर एक बार फिर से एज्यूम किया कितना परसेंट, 16%, तो 1 + 16% 2^25, तो ये भी कितना के करीब में आना चाहिए, 40 के करीब में। एक 40 से ज़्यादा आना चाहिए, एक 40 से कम आना चाहिए, बट करीब में ही आना चाहिए, मतलब 30 से लेकर के 40 बीच में आ जाना चाहिए, और उसके बाद 40 से लेकर के 50 के बीच में कुछ भी आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग एज्यूम कर सकते हो, 15%, 16%, 17%, इस तरह से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है। यहाँ पे तो बुक में लिखा हुआ ना कि 16%, बट हम लोग को कैसे पता होगा कि यहाँ पे 16% ही एज्यूम करना है या 15% ही एज्यूम करना है। तो इस तरह से आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा, और एज्यूम करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू आप लोग कैसे निकाल देते हैं, ये कैपिटल बजटिंग का बेसिकली सम्स है। बट हम लोग जो किए थे जिस मेथड से, वहाँ में कैपिटल बजटिंग अगर नहीं भी आता था तभी आप लोग को आ जाता, बट यहाँ पे जो बुक के हिसाब से दे रखा हुआ है, वो दे रखा हुआ है कैपिटल बजटिंग के हिसाब से। तो कैपिटल बजटिंग में हम लोग एनपीवी कैसे निकालते थे, तो एनपीवी इज इक्वल टू हम लोग निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इस तरह से हम लोग एनपीवी निकालते थे। तो इस केस में भी एनपीवी निकाला गया है। तो देखिए एनपीवी यहाँ पे इसमें से -40 करके निकाल लिया, और फिर इसमें से 40 माइनस करने के बाद निकाल लिया, तो यहाँ पे एनपीवी लोअर रेट में कितना आ गया, माइनस में आ गया, और हाई रेट में कितना आ गया, प्लस में आ गया। तो यहाँ तो कुछ आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है 15% में और 16% में। तो एनपीवी जब निकल गया, उसके बाद हम लोग को आईआरआर का यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा होता है, जो होता है लोअर रेट, क्या होता है फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, फिर एनपीवी एट लोअर रेट, फिर माइनस एनपीवी एट हायर रेट, और उसके बाद मल्टीप्लाई होता था हायर रेट माइनस लोअर रेट से। इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाता था। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या निकाला गया है, तो यहाँ पे आईआरआर निकाला गया है। बट हम लोग लॉग टेबल से भी निकाले थे, तो वहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे बुक का आंसर कितना है 15.89%, और हम लोग का कितना है तो 15.90। तो इसमें तो कोई ये तो माइनस हुआ 15.90। और हाँ, जब आप लोग एज्यूम करोगे, जैसे इसमें बुक में कितना किया गया है 15% एज्यूम किया गया है, और 16%,
और हम लोग एज्यूम जब करेंगे तो उस टाइम में 10% 20% के बीच में कुछ भी एज्यूम कर रहे थे, तो उस टाइम में आप लोग का बुक से आंसर नहीं मैच करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस डिफरेंस किस बात का होगा, तो डिफरेंस सिर्फ अप्रोक्सीमेशन का होगा, जो पॉइंट का दे रखा होता है तो उसका डिफरेंस होने वाला और बाकी डिफरेंस नहीं होने वाला। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं, जो हम लोग को दे रखा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता हो तो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग को पूछना है, कहाँ पूछना है, तो चैट ऑप्शन दे रखा होगा रिस्पेक्टिव ग्रुप में। आप लोग अगर ज्वाइन करके रखे होगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वहाँ पर रिस्पेक्टिव ग्रुप होगा तो उसमें आप लोग पूछ सकते हो। और हाँ, अगर यूट्यूब पर देख रहे होगे तो वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हो, अगर पावर पैक में जुड़े होगे तो वहाँ। चलो, बाय बाय।